CNA में स्वागत है। CNA में सब समय विषय पर बातचीत होते हैं, समय किस घटना प्रतिघटना आ किस समस्या सब पर से हम सब बातचीत करें छे। तो आज हम सब बातचीत करा जा रहा है डॉक्टर दिग्विजय ठाकुर जी से। डॉक्टर दिग्विजय ठाकुर जी अपने के स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। एक प्रमुख बात करें जे एखन के जब स्वास्थ्य की बात करी तो स्वास्थ्य में मधुमेह डायबिटीज बहुत तीव्र गति से तीव्र रूप से बढ़ रहा है। अधिकांश व्यक्ति के चपेट में लड़ रहा है। बहुत व्यक्ति जो डायबिटीज है पता लग गया है उनका डायबिटीज है। बहुत एहनो व्यक्ति है जो डायबिटीज अथवा मधुमेह से वो संक्रमित अथवा कहे तो पीड़ित है, लेकिन उनका ही नहीं मालूम है जो हमारा मधुमेह है क्या था वो ब्लड टेस्ट नहीं करवे। अ प्रकार के अवस्था से एक नेपाल भारत सन के देश में और बेसी डायबिटीज की समस्या बढ़ रहा है एशियन कंट्री सब में। आ डायबिटीज कौन कारण से होते किया डायबिटीज बढ़ते इसके बारे में बातचीत कर संगे अपने के सबके जानकारी करा दीजिए। एक और महिला सबके समस्या स्तन से संबंधित समस्या ब्रेस्ट से संबंधित समस्या ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अथवा कौन कौन समस्या सब भर सके अं के बारे में जो समय मिल रहा तो हम सब बातचीत कर संबंध में शुरू कर डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी। अब तो एक बात कह जे मधुमेह डायबिटीज की थी वास्तव में कई प्रकार के डायबिटीज हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अखन के वास्तव में अपना सबके नेपाल देश में आ इंडिया देश में बहुत चर्चा के विषय है केला की। तो डायबिटीज अखन अपनो सब के देश में कुछ इकोनॉमिकल आदमी सब के परिवर्तन के कारण से और कुछ ऑफिशियली और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण से आदमी सब में जो सेडेंटरी हैबिट अल आ फूड के हैबिट में कुछ परिवर्तन अल खाना के व्यवहार प्रति कुछ परिवर्तन अल अ कारण से डायबिटीज के जे अपना सबके इंसिडेंस कहे छे जे अखन बहुत बढ़ गेल छे आ एतेक बढ़ल छे कि अपना सब दू किस्म से हम डायबिटीज के अखन विचार करू। तो एकटा किस्म के डायबिटीज एना छे कि अपना सब अगाड़ी में देख रहल छे हमरा सबके हॉस्पिटल में जचाबा अबै छे उ क्लिनिकली डायग्नोस्ड केस छे, लेकिन अहू से बेसी विकराल कंडीशन तो वही देख रहा छे जे क्लिनिकली डायग्नोज नहीं है। आदमी सबके डायबिटीज लागल है लेकिन ओकरा सबके ई पता नहीं है कि हमरा डायबिटीज है। ये सबसे बड़का समस्या है। औसत रूप में अपना सबके नेपाल के परिवेश में अखन सबके रिसर्च कायल गेल है पूरे नेपाल में कि कमती में 40% पॉपुलेशन नेपाल के डायबिटीज के रिस्क में है, धराप में है। कि कमती में 100 में से 40 आदमी के जो है से 40-50 साल ऊपर से जो उम्र क्रॉस होते ऊपर जेते तो डायबिटीज से ग्रसित हुए के चांस जो है से बहुत बढ़ संभावना से रिस्क फैक्टर से रिस्क फैक्टर से बहुत बढ़ गया है। आ ये डायबिटीज एतेक विकराल कंडीशन में बढ़ रहा है। आ डायबिटीज विकराल अ दुआरे है कि एकरा से परिवर्तन हुआ वाला आ एकरा से आब वाला कॉम्प्लिकेशन आदमी सब में जो है से एकरा से आब वाला एक दुर्घटनात्मक स्थिति जेना डायबिटीज के कारण से केकरो जो है से अंधोपन भ जाए। हमरा सबके रिसर्च में की कायल गेल छै कि कोनो भी आदमी डायबिटीज से 10 साल से लेकर 15 साल तक ले यदि ग्रसित है तो ओकर आँख जे है से अंधोपन हुए के चांस 90% से बेसी है। कह के मतलब डायबिटीज के आदमी अंधोपन से ग्रसित भ सकैए, ओकर किडनी फेलियर भ सकैए, ओकरा में हाइपरटेंशन भ सकैए, ओकरा में हार्ट अटैक जी का खतरनाक सडन डेथ कॉज करय वाला एक बड़का रोग भ सकैए, ओकरा सबके जे है से नशा विस्तारे विस्तारे खराब भ सकैए, ओकरा सबके हाथ खुटा में घाव भ सकैए, घाव भ के सड़ सकैए। एहन विकराल कंडीशन के बारे में अखन के वास्तव में जे है से चर्चा करना है बहुत खुशी के बात है। आ ये डायबिटीज के जे है से हम सब मेडिकल भाषा में कही तो दू भाग में बटे छी हम सब। एक भाग से कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस हम सब कहे छी, एक प्रकार के डायबिटीज मेलाइटस जे जवान लोग सब में होइए जेना 30 साल से पहले के उम्र में जरा हम यंग पॉपुलेशन कहे छी एडल्ट पॉपुलेशन कहे छी ओकरा सब में हो वाला डायबिटीज मेलाइटस के हम सब टाइप 1 कहे छी। आ ई सबसे खतरनाक डायबिटीज मेलाइटस होइ है केला कि हमरा सब के ई बुझ पड़ते कि डायबिटीज लोक में किया होइ तो लोक में केला टाइप 1 डायबिटीज के बात कर छी। टाइप 1 हम टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के बारे में बात कर जा रहल छी जे बहुत खतरनाक किया होइ छै। जी केला होइ छै तो हमरा सब के डायबिटीज के बारे में की बुझ पड़ते कि हमरा सब के देह में ब्लड शुगर लेवल एक सामान्य तौर पर सब कोई में मेंटेन रहे जना अपना सब के हम सलाह खलाह कही तो एक फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कहे हम सब जे भोका पेट में आदमी के देह में ब्लड में कते ब्लड शुगर लेवल होक चाहिए
ओ कमती में अपना सब कहे कि नॉर्मल पॉप्सन में जे से 90 से लेकर 110 मिलीग्राम पर डेसिलीटर होक चाहिए सब में हमरो में अहु में जे नॉर्मल है लेकिन 110 से लेकर 126 मिलीग्राम पर डेसिलीटर यदि भूखल पेट में ककरो भ गेले तो हम सब की ज्ञात करबे कि ए आदमी के भविष्य में डायबिटीज भ सके तेहने खाना के बाद के हम सब की लै छिए कि खाना के बाद 140 मिलीग्राम पर डेसिलीटर तक ल ई नॉर्मल होई है 140 से तक लक 180 मिलीग्राम पर डेसिलीटर तक ल जे कोनो आदमी के ब्लड शुगर खाना के 2 घंटा बाद हम सब पता लगबे छिए तो ओकरा रिस्क है कि ई आदमी काल जाकर डायबिटीज भ सके है आ 200 से ऊपर जे क्रॉस भ गेल ओकरा हम सब डायबिटिक कहे छिए एकटा बात डॉक्टर साहब अपने जेना हाइपरग्लोसिया हाइपोग्लोसिया जे कहे छिए अथवा एकटा लेवल भेल जे मतलब उच्च लेवल जे क्रॉस कऽ सकलै तऽ ओ डायबिटिक भ गेलै जी जी दोसर जे मतलब जे लेवल जे अपने कहलिए 90 से लऽ कऽ 110 के बाद के लिए अहाँके तऽ ओहिसँ नीचा वाला सेहो बहुत व्यक्ति सब रहै छै तऽ एहिके केना मतलब अपने प्रभाव करबै केना समझाबै छी हम केना समझाबै कोशिश करबै बात के कि डायबिटीज के अपना सब के अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के गाइडलाइन अनुसार बहुत लोग चले उपचार करे हम सब मेडिकल भाषा में कहबे कुछ बुझे में दिक्कतों हो लेकिन बात रियल की है कि अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने लीडिंग एंटा मेडिकल एसोसिएशन है जो डायबिटिक के हरेक गाइडलाइन बनबे है ओकरा बारे में एक रेजिमेंट दी है कि ट्रीटमेंट केना कायल जाए उपचार केना करल जाए आ सेकेंड है WHO तो WHO कथी कहे डायबिटीज 3 प्रकार के हुई उ कहे 3 स्टेटस में आदमी के डायबिटीज के अनुसार हम बांट सके 3 प्रकार ने कह के 3 स्टेटस में जना एकटा नॉर्मल डायबिटिक जेका नॉर्मल डायबिटीज रेंज है मतलब नॉर्मल नॉर्मल से ओकर नॉर्मल से कोनो रोग नहीं है एकटा छै प्री डायबिटिक केकरा कहै छियै कि डायबिटीज हुआ से पहले के अवस्था WHO के में सीधा सोच की है कि आदमी सब के हम ई ज्ञात नै करबे कि अहाँ के ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से 9 गेल किनका डायबिटीज के रेंज में जा रहा है तो वही ठाव पर से वो आदमी सब की होते तुरंत डायबिटिक में चल जाते सचेत करना जरूरी से कहा जाता है WHO के एकदम सचेत कहने से वो गाइडलाइन में सचेत कर देने हैं कि डायबिटिक प्री डायबिटिक जी और डायबिटिक एंड डायबिटिक 3 किस्म वो प्री डायबिटिक वाला कथी कहने हैं आहा के यदि प्री डायबिटिक रेंज में ब्लड शुगर चल गेल त आहा अपना खाना पर विचार करू अपन डाइटरी हैबिट परिवर्तन करू आहा जे है से डेली रूप से एक्सरसाइज करू आ फैटी फूड सब के इंटेक कम कर दियो आ वाइली स्पाइसी फ्राइड जंक फूड सब के इंटेक कम कर दियो यदि एते प्रकार से आहा सचेत रह सके छी ओय अवस्था में त आहा डायबिटिक रेंज में नहीं जेबे एकटा बात एमे एक किछ प्रश्न करना जरूरी छै कि आ डायबिटिक व्यक्ति सब के आ शुगर कहे त व्यक्ति सब जे मधुमेह जका हम सब कहै छै हुनका सब के लागि सेहो जानना जरूरी छै जे अब एकटा भले जकर ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है अहाँके एकटा एहन व्यक्ति जकर शुगर लेवल कम छै अहाँके जे स्टैंडर्ड शुगर लेवल होबक चाही से नीचा छै अहाँके तऽ एहि दुनू अवस्था में जतय अहाँके ब्लड शुगर बढ़ रहा छै तत बहुत मेंटेन के अथवा शुगर नहीं लेवल के अवस्था होइ छै आ जतय कम होइ छै तत लेवल के अवस्था सेहो छै एहिके बाद में सेहो बहुत बेसी एकटा इहो रिसर्च सब आयल छै जे डायबिटिक पेशेंट सब बहुत बेसी परहेज के कारण से जो नुकसान व्यवहार करे के अवस्था केहन रिसर्च सब आयल छै एकरा हम की कहबै जी हम एकदम क्लियर करय चाहै छी तेरा अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन एहि बारे में एकदम क्लियर एकदम 2007 से लेकर 2011 तक ले में क्लियर गाइडलाइन देलक ये कि अपना सबके दू किस्म से डायबिटीज आदमी के हम ट्रीट कर सके छी एकटा में स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट कर सके छी जेकरा एकदम नॉर्मल पर लावे के नॉर्मल ब्लड शुगर तना हम कहै छी नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग कंडीशन में 90 से लेकर 110 है हम यदि चाहै छी ओ पेशेंट के मेडिकेशन से ड्रग्स द पर 90 से 110 में राखी तो ओकरा हम स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट कहबै कि नहीं नॉर्मल बनाबे के है दोसर केना है एकटा फ्लेक्सिबल ट्रीटमेंट हम ओकरा 110 में नहीं लाइब तो हम कमती में 110 से लेकर 126 130 के बीच में रखै छियै तो ओकरा फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट हम सब कहै छी तै में दुटा फरक है कहना स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट हम ककरो राख दै छी कि नहीं आहा के ब्लड शुगर लेवल हम ए डोजिंग पर जे 90 से लेकर 110 में फास्टिंग में हम राख दै छी आब एकरा में की होते अपना सब के एशियन कल्चर में खाना जनरली की छै सुबह में खाना खाओ शाम में खाना खाओ बीच में कोई नाश्ता खेल नहीं खेल डायबिटिक पेशेंट में बड़का इफेक्ट लगे यदि स्ट्रिक्ट है तो ब्लड शुगर लेवल घटे के चांस बहुत कम हो जाए छे हम ड्रग खेलिए हमर डाइट मेंटेन नहीं करे तुरंत हाइपोग्लाइसिमिया में चल जाते चांस है ते द्वारे हमरा की है अब अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन क्लियर गाइडलाइन की निकाल लिया कि हमरा सब के स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट के छोड़ दिया
इला नॉर्मल पॉपुलेशन में अवेयरनेस शिक्षा जे डाइट प्रति ओतेक न है सब लोग अपन डाइट रेगुलरली फ्रिक्वेंटली 4 टाइम दिन में खाए वाला कोई आदमी नहीं है मैक्सिमम आदमी नहीं है ते द्वारा हम सब फ्लेक्सिबल ट्रीटमेंट करें मतलब फास्टिंग लेवल के पूरा स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट नहीं कर इनका फ्लेक्सिबल भ के हम 1 से 10 मतलब 1 से 26 में रखे छे तो वही कंडीशन में कहियो आदमी डाइटो मिस करे है तो हाइपोग्लाइसीमिया में जाके चांस कम है डायबिटीज में की कहल जाए है हाइपरग्लाइसीमिया जे से ओकरा सब बेसी खतरनाक हुई हाइपोग्लाइसीमिया से आदमी तुरंत मर सके एकदम विद इन सेकंड विद इन मिनट मर सके लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया हम सबके पेशेंट के हमरा जरा मजा मिले डेथ फैक्टर कते के सागर नीचा जाए छे एकटा ओय प्रकार के कोनो रिसर्च भेल छै जे से नीचा गेला के बाद आदमी के मृत्यु के संभावना बढ़ जाए छै ओना कते आदमी के इम्यूनिटी पावर होय छै यहाँ के जे बहुत हायर लेवल में सेहो नहीं बढ़ रहा है बहुत लो में चल रहे थे एकर कोनो एक प्रकार के स्टैंडर्ड मापदंड छै जे शुगर के कंडीशन हाइपोग्लाइसिया के अगर मायने ने मतलब 40 से नीचे गले तहां के मृत्यु के संभावना छै एक प्रकार के हाइपोग्लाइसिमिया के स्टैंडर्ड गाइडलाइन की कहे छै कि अपना सब के 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम भेले अपना सब के बड़का आदमी में आ 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम भेले छोटका आदमी से बच्चा सब में तो ओकरा हम हाइपोग्लाइसिमिया कहबै हाइपोग्लाइसिमिया रेंज में कोनो भी कंडीशन में आदमी गेल है तो फेटल कंडीशन लेकिन अब क्लियर गाइडलाइन कतो नहीं दिल से कि 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर आदमी मर जेते 20 पर मर जेते कैला तो हम एक पेशेंट भटियन के हम देखले रही कि वो की कलकै इंसुलिन लिए नहीं आई वो पूरा पेयर इंसुलिन निकाल के जतिक भी ओकरा लोडेड यूनिट रहे ओकरा बुझेले कि एकटा सिरिंज हमरा एक दिन लिए के है फुल डोज एक रात में लगल की वो 12 बजे रात में हमरा कॉल आयल रहल हाइपोग्लाइसिमिया भक ओको पेशेंट हमरा कॉल केले हम नंबर प्रोवाइड कने रही कि डॉक्टर साहब बोलू जे से बाबा मर गेल हम तुरंत ही बात फील कर लिए एज ए क्लिनिशियन की वो हाइपोग्लाइसिमिया में गेल होते हम तुरंत ओकरा कहलिए अहाँ वे डेस्क्रोज पे लेते कोई नहीं मिले जनकपुर के जैसे से अहाँ के वकील मोहल्ला में रहते रहे वकील महासव जैसे कोई रिलेटिव रहे वकील महल्ला से दो कोई इमरजेंसी में लेके इमरजेंसी में हमू अली इमरजेंसी में पेशेंटो पार्टी अल वही आब के हम जैसे मर गए कि जिंदा है हम कुछ नहीं सोच कर किनका टाइम लगते सोच कर तुरंत वो का आईवी लाइन खोल कर हम डेक्सट्रोज 25% दिए के शुरू कर ली 3 दिलिए हम डेक्सट्रोज तो वो आँख खोल गए जी गए वो सब सोचने रहे कि मर गए लेकिन बाँच गए तेकर बाद में हम ब्लड सैंपल पठेलिए तो कंडीशनों में ओकर ब्लड शुगर हमने जनकपुर अंचल अस्पताल के इमरजेंसी के लैब से 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रही अब हम 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर भी आदमी के बाँचल देख लिए तो यहाँ गाइडलाइन नहीं है लेकिन वो आदमी 3 पर मर सकिए वो 40 पर मर सकिए वो आदमी के ओकर ब्रेन के सर्वाइवल कैपेसिटी है वो डैमेज के जैसे से अपन स्टेट है वो कखन को कोलैप्स हो सकता है तेना हाइपरग्लाइसिमिया में कतेक रेंज तक में मतलब आदमी के मतलब कौन कौन अवस्था हो सके जी जी अब हाइपरग्लाइसिमिया के रेंज के बारे में हमरा पढ़ा के लागी अब डायबिटीज के जैसे से कॉम्प्लिकेशन तिर जा पड़ते कि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन के हाइपरग्लाइसिमिया हम जब पढ़े छी तो डायबिटीज पढ़ रहल छी वही के मतलब डायबिटीज भेले तो डायबिटीज के बारे में हमरा कॉम्प्लिकेशन यह चीज जाननाई जरूरी है ना डायबिटीज के यदि कॉम्प्लिकेशन नहीं होते तो एक रोग नहीं रहते कॉम्प्लिकेशने टा एक रोग कहावे छी कि डायबिटीज एक रोग है अब केना है तेना परसिस्टेंट रूप से कंटिन्यूस रूप से केकरो ब्लड शुगर लेवल बढ़ल है तो ये दूटा इफेक्ट ओकरा देह में विस्तारे विस्तारे ग्रेजुअली ओकरा देह में परिवर्तन होते रहे तेना ओकर ब्लड वेसल सब में तेना अपना सब के धमनी सब कहे छी भेन सब कहे छी आर्टरी सब कहे छी ओहिमे की होय है एकटा ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन कहि कऽ मॉलिक्यूल होय है जे हेमोग्लोबिन जंगे शुगर मॉलिक्यूल बेसी भ कऽ मिल कऽ बनबै है आ ओ ओकरा सब के वाल में बैसल रहै वाल में बेचते बेचते ओकरा वाल के बिगाड़े है ओकरा वाल के जे है से पातर कर दे है वो जगह ब्लड सप्लाई बेसी नहीं हुआ लगे वही कारण से तेना ये प्रक्रिया जो मोटू में भगल तो हार्ट अटैक हो सकती है ये प्रक्रिया अब किडनी में यदि विस्तारे विस्तारे भर रहे तो किडनी के किडनी फेल हो सकती है यदि ओकरा आई में जाकर रेटिना में प्रक्रिया होते तो ओकरा सबके हम ब्लाइंडनेस आ सकती है ब्लाइंडनेस आ सकती है ओकरा सबके हार्ट में जेते तो हार्ट अटैक आ सकती है तेहने ओकरा सबके जे है से पेरिफेरल जगह नशा सब में जाए छे तो हाथ सब लहरै है झुनझुन 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 भरी अपना सबके देसी बिरामी सब एक बात जो आपने कहले बहुत महत्वपूर्ण बात कहले जे डायबिटीज के की कॉम्प्लिकेशन सब हो सके की समस्या सब ओकरा बड़ी भ सके तै से सेहो बहुत सी आकलन कयल जा सके जे कोन अवस्था में जा रहल छै पेशेंट ओकरा आँखि खराब होते कि लिवर खराब होते कि किडनी खराब होते आ तेकर बाद जे
ऑर्गन्स में इफेक्ट पड़ते हैं, ऑर्गन्स के अवस्था में आदमी कते दिन तक बांच सके, सर्वाइव कर सके, तेकर स्टेज के अनुसार अपने सब आकलन शायद कर सके। एक पार्ट भले दोसर पार्ट अपने कहला जे डॉक्टर साहब जना अपने सब कहली जे एते लेवल के बात के लिए किछ समय अवधि के बात सेहो के लिए ये लेवल समय अवधि बहुत एहनो अवस्था में देखल जाए 40 वर्ष अपने सब कहली क्रॉस कर तक बहुत आदमी के डायबिटीज भेलै जी जी आ 90 वर्ष तक बाँचल 85 वर्ष तक बाँचल अथवा मतलब लंबा समय तक अहाँ के स्वस्थ रहला मतलब सामान्य जका मृत्यु कहै छै सामान्य मृत्यु के वर्णन करय वाला अवस्था सेहो डायबिटीज पेशेंट सब देखल ई केना होइ छै जी वह तखन शुरू के अपने के क्वेश्चन छले कि काम अधूरा रह गेलै हो या कि टाइप 1 डायबिटीज टाइप 1 के हम सब बात करै छी हां टाइप 2 के कवर जी टाइप 2 वाला खास टाइप 1 में की होय है हम तखन के बात हम क्लियर कर दे रहल छी कि अपना सब के पेनक्रियाज ग्रंथि है कि ओकरे कारण से पूरे डायबिटीज होय अपना सब के सबके देह में पेट के ऊपर का भाग में पिछला भाग में पेनक्रियाज ग्रंथि रहे है आ वही ग्रंथि में बीटा सेल रहे है वही बीटा सेल के काम है इंसुलिन निकलना है आ इंसुलिन सबके हमारा देह में काम है ब्लड शुगर लेवल के मेंटेन कर रखना है कम कर रखना है अब जवान लोग में की हुई है कोनो ऑटो इम्यून डिजीज सब अज्ञात कारण सब ओकरा सबके सभी बीटा सेल मर जाए जब वो आदमी में बीटे सेल न है तो इंसुलिन कतु से नहीं आते आ जब इंसुलिन नहीं है तो ओकरा देह में जो ब्लड है ब्लड में जो ब्लड शुगर है वो ब्लड शुगर के कंट्रोल नहीं होते तो वही कंडीशन के डायबिटीज कला खतरनाक हुई है तो एक ओकरा देह में पूरे के पूरे बीटा सेल जतेक भी छे तो सब मर गए अब किनको इंसुलिन नहीं है ओकरा हम सब कहे छी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस मतलब ए आदमी के हम इंसुलिन टा से ठीक कर सके छी कोनो भी ओरल ड्रग से मुंह से खाए वाला दवाई से ठीक नहीं कर सके छी एहि टाइप 1 में इंसुलिन दिए पड़े है आ जतेक भी डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन है हम यदि टाइप 2 से कंपेयर करबे तो टाइप 1 में बेसी है आ दोसर बात की है तो जवाने में भ जाए कते के 2 साल में भ जाए कते के 5 साल में भ जाए कते के 10 साल में भ जाए तो एक सबके लाइफ आयु बेसी है तो बेसी आयु जिये के है तो अपना इस तो 20 साल 25 साल 30 साल तक ला शुगर से ग्रसित रहते 40 साल ग्रसित रहते तो अ बीच में क्या सबके डायबिटीज के लंबा टाइम मिल जाए कॉम्प्लिकेशन पैदा करा में ते द्वारा डायबिटीज टाइप 1 बेसी डेंजरस हुई आ टाइप 2 के बारे में हम कही तो टाइप 2 जनरली 30 साल से लेकर 40 साल के बाद में अब अपना सबके मानित एवरेज में 40 साल के बाद में अभी है तो एकरा में कारण की रहे अपना सबके सिंपल नेचर कथी है जेना हम सब कम एज से बेसी एज में जाए छे हमरा सबके सब सेल हमरा सबके सब ऑर्गेन हमरा सबके सब बॉडी पार्ट सब कमजोर हुई ओल्डर हुई पुरान भेल जाए तेहने एक वह पद्धति है कि बीटा सेल भी अपन इफिशियंसी में जे काम करते रहे जवान कंडीशन में वो 40 साल के बाद काम कर रहे छु कम भ जाए एक कारण हुए दोसर कारण ये काम कम करे अइ में बेसी इफेक्ट पैदा करे वाला चीज जितना कोई मोटा आ गेले ओबेस भ गेले तो ओबेस डायबिटिक कहै छी ओकरा हम सब टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के ओबेस डायबिटीज सेहो कहै छी तो मोटाइल आदमी सब में एडिपोज टिश्यू फैटी टिश्यू ओकरा देह में बेसी रहै आ मानल गेल है जेकरा देह में फैटी टिश्यू बेसी है ओकरा देह में इंसुलिन रेसिस्टेंस बेसी है अब इंसुलिन रेसिस्टेंस हम केना कही तो ओकरा देह में इंसुलिन पैदा होय है लेकिन कोनो सेल में जाकर इंसुलिन के काम करे के है तो ये काम नहीं कर सके तो इंसुलिन अपन पैदा हो तो बीटा सेल इंसुलिन निकाल तो अपन काम नहीं दिखा सकल के ब्लड के फैट के कारण जी फैट के कारण से तो ओकरा फैट जे है से फैटी आदमी सब में इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण से केला के ई भ जाए तनाहिते अल्कोहल लिया वाला सिगरेट या स्मोकिंग लिया वाला ई आदमी सब में यह कारण से इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण से या विस्तारे विस्तारे ओकरा जैसे बीटा सेल के फंक्शन लॉस के कारण से या बीटा सेल के नंबर भी लॉस के कारण से इंसुलिन के अमाउंट ओकरा वही एज में शुगर के लेवल कंट्रोल करे के लागि जतेक हुअक चाहिए ओतेक नहीं रहला के कारण से की हुई है चाहे वो बीटा सेल जैसे जतेक काम करक चाहिए ओतेक काम नहीं कलक इतने कारण से की हुई डायबिटीज अभी डॉक्टर एक आई प्रश्न में चलत है जैसे बीटा सेल के बात कर लीजिए यहाँ के इंसुलिन प्रोडक्ट कर के पेनक्रियाज में रहे यहाँ के इंसुलिन जो रहे यहाँ के ब्लड शुगर के मात्रा के बैलेंस्ड करे संतुलित करे यहाँ के धमनी सबके अ प्रकार के वर्क हमारा सबके बॉडी में हो यहाँ के से बात कल आ संबंधित ब्लड में अहाँ के फैटी ब्लड के चर्चा कलखिन अथवा विभिन्न प्रकार के स्मोकिंग ले ड्रग्स ले अथवा ड्रिंक करे वही सब से ब्लड में बहुत बेसी प्रभाव पड़े तक इंसुलिन के इफेक्ट इंसुलिन प्रोडक्ट भेला के बावजूदो
अहाँके ब्लड के शुगर लेवल मेंटेन नहीं भ सके अहू प्रकार के अवस्था हो सके एक प्रश्न उठ सकल तो डॉक्टर एक अपने ई बात कहता जे एहन अवस्था में केना पता लगे कि अ व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन प्रोडक्ट भ रहा है बीटा सेल से ठीक है इंसुलिन प्रोडक्ट से ठीक है लेकिन कथी कहे अपने के ब्लड फैटी है जिसके कारण से ब्लड शुगर अहाँ के मेंटेन नहीं है अहाँ के दोसर अहाँ के विभिन्न प्रकार के जे मतलब एडिक्ट सब थे एडिक्शन के कारण से अहाँ के ब्लड में पता लगते एक सबके सबके क्लिनिकल डायग्नोसिस है सबके अपन अपन गाइडलाइन है ते द्वारा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस वही द्वारा क्लासिफाई कल गए कि हमरा सबके क्लिनिकली पेशेंट के ट्रीटमेंट के ऊपर अप्रोच करा वाला जे है से हमरा अप्रोच करे में इजी होय के टाइप 2 कल गए अब टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में डिफरेंट क्लास सब है एक एहन होते कि बीटा सेल पहले के तुलना में जना 100% बीटा सेल रहे फंक्शनल आप जैसे 50% बीटा सेल फंक्शनल मात्रे चाहे 25% बीटा सेल फंक्शनल मात्रे अब एक बुझ के डिफरेंट तरीका से मेथड सब है अब की मेथड है जना हम सब टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में सबसे पहले ओरल थेरेपी चलबे छी मतलब ओरल ड्रग सब दे छी तेना सबसे कम यूज वाला मेटफॉर्मिन है तेकर बाद में यूज वाला ग्लिम्पिराइड है तेकर बाद में जे है से सीता ग्लिप्टिन सब है तेकर बाद में जे है से आप बहुत ग्लिकेलाजाइड सब बहुत ड्रग सब जे मुंह से खाय वाला ड्रग सब है ओकरा सब के हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक करबे छी केला की ती शुगर लेवल कम कर दी अब एकरा सब के काम की है तो ई सब अपने आप इंसुलिन के काम नहीं करे ई सब जे बीटा सेल दूर भ गेले जे बीटा सेल सब इनएक्टिव है वो बीटा सेल सब के स्टिमुलेट करे है कि अहां बेसी इंसुलिन निकाल आ की कहला जे पुरान बीटा सेल है वो 50% या 25% मात्र लेवल में काम करते होते ओकरा वो 100% काम करते एक कारण से की होते इंसुलिन के अमाउंट कुछ लेवल तक ला हाई होते आ ओकर ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होते हम सब की कहली टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस ऑलरेडी 40 इयर्स के बाद है हम सब जानित रहै छी कुछ न कुछ बीटा सेल काम फंक्शनल होते तो हम सब ट्रायल केली ओरल थेरेपी दक ओरल थेरेपी यदि रिस्पोंड कर रहल है एकरा में ब्लड ग्लूकोज कम भेले एक मतलब है कि बीटा सेल स्टिल वे प्रेजेंट है तब तो ओकरा बेसी निकाल कर जैसे बेसी फंक्शनल बना कर तो ब्लड शुगर कम भेले लेकिन एहि में रिस्क है लोग सब इंसुलिन से अइ अखन के सिचुएशन में एजुकेटेड पर्सन भी डायबिटीज के प्रति एते सशंकित है आ या दवाई नहीं ली ओहने ठीक व्यक्ति के प्रति इंसुलिन नहीं लिया चाहिए लेकिन अब हम कथी छी एकटा बात हम क्लियर सोच सकै छी कि हम पुरान कम नंबर में जे प्रेजेंट बीटा सेल है वही बेसी एज में जाकर ओकरा हम बेसी काम करा रहल छी अब ई हम जना बूढ़ बैल के बेसी दौगेबे तो बेसी नहीं टिकते तेहने बीटा सेल पुरान भ गेल है 50 साल की उम्र में 60 साल की उम्र में कोई आदमी है ओकरा डायबिटीज भ गेलै वही तो ऑलरेडी बीटा सेल पुरान है वो एज में चल गई ओकरा अब हम की कर छी ओरल ड्रग द कर बेसी कुदाब चाहे छे बेसी तो की होए तना 25% बीटा सेल बाकी है हम दुए साल जे है से मुंह से खाय वाला ड्रग देबी उमर जाए वो बोला 1% अब वही कंडीशन में जाके जो का इंसुलिन के डोज लिए पड़े हाई लिए पड़े लेकिन हम 25% जो बाकी रहे तही हम इंसुलिन यूज करती है तो इंसुलिन के डोज कम चाहे के लाते किछ न किछ इंसुलिन तो बीटा सेल निकाल रहा है तो ओरल ड्रग के एक फायदा की है तो सुइया नहीं लिए पड़ लय लेकिन ओरल ड्रग के बेफायदा की है तो जल्दी बीटा सेल बना दे ये बेफायदा है तो हम सब पेशेंट के बुझावा चाहते रहे कि आ इंसुलिन से नहीं डराओ इंसुलिन लेला के बाद में कॉम्प्लिकेशनों घटे है बीटा सेल अहाँ के बाकी रहत कुछ दिन बेसी लंबा चलत अहाँ के डायबिटीज बेसी खराब नहीं होत खतरनाक कंडीशन में नहीं जाए लेकिन लोग सब इंसुलिन से डराए केना सोचल कि हम इंसुलिन लेब तो आप जिंदगी भर लिए अब एक और प्रश्न बचल इंसुलिन के बात करके ना के इंसुलिन लेबा के बात बहुत डराई नहीं चाहिए वास्तव में डॉक्टर के सलाह लगा करना चाहिए होना सबसे सुरक्षित ड्रग से इंसुलिन मानल जाए अहाँ के लेकिन ओवरडोज के बात करते ओवरडोज अगर भाई है तो हाइपोग्लाइसेमिया से जा सके लेकिन डॉक्टर के सलाह अनुसार काम करता है एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है डायबिटिक पेशेंट के लागे मधुमेह के रोगी के लागे डॉक्टर साहब एक और प्रश्न में हमसे चर्चा प्रचार करें जो हैबिट चेंज बिहेवियर चेंज के बात अब जैक बाद अपने कहे डाइट के अहाँ के चेंज भले सबसे मात्र डायबिटिक सबके अहाँ के बहुत बेसी पॉजिटिव इफेक्ट से पड़ सके हैबिट चेंज जना मॉर्निंग वॉक के बात करी अथवा एक्सरसाइज के बात करी अथवा खान पीन के बात करी केना की छे कारण की एकदम बिल्कुल एक बारे में डायबिटीज के थ्योरी में की कहल गेलै हर एक चीज थ्योरेटिकल डिस्क्राइब रही छी सब थ्योरी में की कहे है कि एकटा डायबिटिक पेशेंट के सबसे पहलका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ओकर एक्सरसाइज आ डाइटरी कंट्रोल
तकर बादेमे हमरा जे मेडिकल अप्रोच में जाके है तकर बादेमे हमरा जे इंसुलिन अप्रोच में जाके है लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जे सबसे पहल का च्वाइस है वो डायट्री कंट्रोल हैबिट अपन डायट्री हैबिट परिवर्तन करके है आ तकर बाद में जे एक्सरसाइज डेली रूप से करके है अब एक्सरसाइज से की असर है डायबिटीज में की 15 पैंक्रियास के बात हासिल के लिए जी जी तो केना एक्सरसाइज केला पर मॉर्निंग वॉक केला पर पैंक्रियास एक्टिवेट हो बीटा सेल 2 वहां के अपन काम में केना है सबसे बड़का इफेक्ट की है तो एक्सरसाइज जो है से इंसुलिन रेसिस्टेंट कम करी केना तो हम एक्सरसाइज करबे तो नेचुरली हम मसल्स के हम बॉडी पार्ट के विशेष यूज होते ओहिमे मेटाबॉलिज्म हाई होते जेना हम सब एक्सरसाइज करे छी पसीना आबे लगे एक्सरसाइज करे छी छाती धक 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 करे लगे एक्सरसाइज करे छी हम फैटिग होइ छी एक्सरसाइज करे छी त हम हॉट होइ छी गरम होइ छी ई सब कथी रिजल्ट है हम एक्सरसाइज करे छी त हमर बॉडी के हरेक सिस्टम बेसी पीएस पर काम करे हमरा बॉडी में मेटाबॉलिज्म के रेट हाई है यदि बॉडी में मेटाबॉलिज्म के हाई रेट हाई है तो दू तीन टा चीज यूज बेसी होइ जेना सबसे पहले ग्लूकोज के यूज भ जाए बेसी कला मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले ग्लूकोज यूज भ जाए आ ओहि के कारण से एनर्जी बनल आ ओ एनर्जी के कारण से हमरा सबके देह में ताव आवे है देह में पसीना आवे है जे सबसे एनर्जी फीलिंग होत रहे तना आ सेकंड सोर्स यदि शुगर कम भेले घटले देह में तो आप फैट यूटिलाइज हो लगे कह के मतलब मेटाबॉलिज्म से हम शुगर सेहो कम के लिए यूटिलाइज कर दिलिये आ सेकंड की के लिए हम फैट के सेहो मोबिलाइज कर दिलिये फैट के घटा दिलिये आ हम जानै छी कि फैट हमरा बॉडी में बेसी है तो इंसुलिन रेसिस्टेंस के चांस हाई है अब हम एक्सरसाइज से हम फैट के लेवल कम करे छे तो इंसुलिन रेसिस्टेंस कम होए एके मतलब पेरिफेरल पार्ट में इंसुलिन बढ़िया काम करते ओतबे इंसुलिन बढ़िया कंट्रोल करते तो एते इफेक्ट हमरा एक्सरसाइज के कारण से अवे है जेमे शुगर यूटिलाइज क कम कलके दोसर में इंसुलिन रेसिस्टेंट घटा के इंसुलिन के एक्टिविटी बढ़ा देलके तेकर बाद में हम डायटी तिर जाए तो अब दूटा किस्म के ट्रीटमेंट है हम इनटेक यदि घटा देली शुगर के तो नेचुरली रूप से शुगर कम होते आ हमरा पेंक्रियाज पर लोड कम पड़ते ओकरा बेसी इंसुलिन नहीं निकाले पड़ते ओकरा बेसी फंक्शन नहीं करे पड़ते वो फैटिक बेसी नहीं होते आ शुगर के इनटेक हम कम करबे तो एते प्रक्रिया में जे चल रहा है डायट्री हैबिट में तो शुगर हमरा कमो नहीं करे के है लेकिन बेसी ओवरलोड नहीं करे के है कि हमरा पेंक्रियाज पर ओवरलोड होते आ ओते की इंसुलिन जे हमरा धाम नहीं सकते तेकरा लागी डायट्री कंट्रोल के आवश्यकता पड़े नंबर वन नंबर टू की हुई है तो फैट के हम जानी हमरा बॉडी में बेसी जेते ते इंसुलिन रेसिस्टेंस करते तो हमरा फैटी फूड के इनटेक जे कट कर पड़ते तेना केना होते रेड मीट सब जेना रंगा के मासु खसी के मासु ई मासु सब हरिन के मासु एहन मासु सब गाय के मासु ई मासु सब रेड मीट में अभी बकरा के मासु ई सब रेड मीट आधारित साइड पैर वाला जी बकरा का जना जी जी सब रेड मीट में अभी है आ रेड मीट में कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट सबसे बेसी हुई आ ई कोलेस्ट्रॉल जे है से अपना देह में बढ़ ले लिपिड के अमाउंट बढ़ ले तो इंसुलिन रेसिस्टेंस हाई होते आ वही आदमी में न कि हाइपरटेंशन डायबिटीज मात्र हाइपरटेंशन भी हार्ट अटैक भी वो अपना साथ साथ जे है से अपन सब चीज बढ़ने चल जाए अब एक हम कम करे फैटी इंटेक कम करे तो इंसुलिन रेसिस्टेंस कम होए आ हमरा लॉन्ग टाइम इफेक्ट की अब है तो हम इंसुलिन जे है से एक्टिव बेसी रहते हमारे डायबिटीज बेसी कंट्रोल रहते तो अ दुआरे हम डायट्री हैबिट चेंज जेना जंक फूड आइटम भेले फैटी फूड आइटम भेले फ्राइड आइटम भेले वाइली आइटम भेले स्पाइसी आइटम भेले ये मीट रेड मीट एक्चुअली भेले जे कोलेस्ट्रॉल बेसी हाई रहे एकरा सब के हमरा इनटेक केला कम करे पड़े है तो हमरा जे है से लॉन्ग आयु पावे के लागी कमती में हमरा लॉन्ग टर्म तक जे है से कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज के नहीं आवे लॉन्ग टाइम तक लो इंसुलिन एक्टिव रहे वही कारण से हमरा डायट्री हैबिट के आई सबके बहुत इंपोर्टेंट मानी छी आ मानल जाए कि अहाँ के डायबिटीज यदि इनिशियल फेज में है तेना हम मानी छी प्री डायबिटिक पेशेंट है आ जस्ट नॉर्मल डायबिटीज से हाई लेवल में गेल डायबिटीज सब है डायट्री मैनेजमेंट एक्सरसाइज सफिशियंट है ओकरा ट्रीटमेंट करक लागि एकटा और प्रश्न पर हम चलता छी जे डायबिटिक वाला पेशेंट सब जेना ब्लड शुगर के लेवल टेस्ट करबै छै एहि के साथ साथ है जे लिपिड प्रोफाइल के बात अपने जी जी कहलिए के लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट करावक चाहिए कि नहीं करवाक चाहिए ओहिमे कोन कोन चीज के विशेष महत्व देवक चाहिए तहिना अन्य की टेस्ट सब समय समय पर अगर कते कते दिन के अवधि पर केना केना करवाक चाहिए एकदम बिल्कुल ई बात एकदम इम्पोर्टेंट बात ई कैला है तो डायबिटीज एकटा ट्रीटेबल डिजीज न है कैला ई कंडीशने नहीं बने अब हम सब बुझै छियै हमरा देह में ओतेक बीटा सेल न है आ कोनो भी दवाई बीटा सेल बनाए नहीं सकली एक टा मात्र निकलल है बीटा सेल ट्रांसप्लांट करे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जे लिवर में करे अपना देह अपना देश में अखन तक संभव न है ते द्वारा हमरा सबके की बुझ के है कि हमरा अब एकरा रेगुलर रूप से
दवाई खा के है, रेगुलर रूप से एक्सरसाइज करे के है, रेगुलर रूप से हमारा जो है से शुगर के भी जांच करावे के है, रेगुलर रूप से लिपिड प्रोफाइल भी करावे के है। कैला कि तो ट्रीटेबल कंडीशन में ही लाइफ लॉन्ग रहते, तो बीच बीच में कमती में 3 महीना 6 महीना पर हमारा कुछ कार्डिक मौका डायबिटिक मार्कर सबके लेवल हमारा बुझा पड़े कि हमारा डायबिटीज कंट्रोल है कि नहीं है। तो में 3-4 टेस्ट अभी कहना एक नंबर वन टेस्ट अभी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल। कम से कम डायबिटिक गाइडलाइन की है कि यदि अहाँ इनिशियली शुरुआत के डायग्नोस्ड केस थी, पहले बेर अहाँ के डायग्नोसिस भेल डायबिटीज, तो अहाँ कमती में 3-3 महीना पर कराओ, 3-3 महीना पर टेस्ट कराओ, आ सभी दिन अहाँ 3-3 महीना पर करा भी सकते थी सबसे नीक है। कहला अहाँ के 3-3 महीना पर कमती में ब्लड ग्लूकोज लेवल अहाँ मेंटेन कर रहू, देखते रहू कि हमारा ई ड्रग सफिशियंट है कि नहीं कंट्रोल करे के लागी, कि ई ड्रग अहाँ के हाइपो में लगा रहा है, चाहे अहाँ जो है ओवर डाइटिंग में छी ओवर एक्सरसाइज में छी, ये सब हमरा सचेत करे पड़े या हमरा और बेसी एक्सरसाइज करे पड़ते या और डायबिटिक जो है डाइटरी मैनेजमेंट करे पड़ते, ये सबके लागी ये दोनों चीज हेरे पड़े है। नंबर वन चीज। नंबर टू में एक ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन हुई, ये ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन ये फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल आ ये पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल मतलब खाना के बाद के जांच ऐसे बेटर मानल जाए, अ दुआरे कि लॉन्ग टाइम डायबिटीज के कंट्रोल देख भी है ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन। जे अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की कहे है कि कमती में डायबिटिक पेशेंट में 7 से कम होक चाहिए, 7 से अहाँ के बेसी भ रहा है ऐ के मतलब डायबिटीज अहाँ के कंट्रोल नहीं है, अहाँ में कॉम्प्लिकेशन के चांस बेसी भ रहा है। तो लॉन्ग टर्म में अहाँ के जैसे एक डायबिटीज में अहाँ के अई ड्रग्स से अई डाइट से अई एक्सरसाइज से कंट्रोल है कि नहीं से बुझे के लिए ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन हमारा करना उचित है, कैला कि ई हमारा लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलेटेशन भी। नंबर टू। नंबर थ्री में हमारा लिपिड प्रोफाइल भी चेक करावक चाहिए। अब की कहने हमरा सबके अखन के रिसेंट अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की कह रहा है कि कोनो भी पेशेंट यदि डायबिटीज के भ गए तो ओकरा में लिपिड लोअरिंग एजेंट स्टार्ट कर दिए, कैला ओकर लिपिड प्रोफाइल जो है से चेंज होते होते गारंटेड है। तो हम सब ये नहीं कुरी कि ओकर लिपिड प्रोफाइल काल जाकर चेंज होए, इंसुलिन रेसिस्टेंस के कंडीशन बढ़ा दे, डायबिटीज आदमी में हाइपरटेंशन भी भ जाए, हार्ट अटैक के चांस भी बढ़ जाए, वन कंडीशन में पुग कर हम लिपिड लोअरिंग एजेंट ही स्टार्ट करी, डायबिटीज डायग्नोज भले तो लिपिड लोअरिंग एजेंट स्टार्ट कर दू। अत्य प्राथमिकता वो देने है कि अहाँ के प्रत्येक 6-6 महीना में एकटा डायबिटीज पर्सन के लिपिड प्रोफाइल करवाक चाहिए, ओना महंगा टेस्ट है। लेकिन यदि हम सकबे आ सब आदमी सके से कतौ न कतौ खर्च कर ले छे उ कुछ बचबे तो उ 6-6 महीना में करबे तो लिपिड लोअरिंग लिपिड प्रोफाइल में की आवे छे तो ओकर बॉडी के टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल आवे छे, एकटा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होय छे, एकटा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होय छे, एकटा नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होय छे। ई प्रकार सब छे टेस्ट के प्रकार सब है, तेकरा में ट्राइग्लिसराइड लेवल होय, डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड है ई सब। जेमें जे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उ सब हम मेडिकल भाषा में माने छे बैड कोलेस्ट्रॉल है। यदि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल केकरो देह में केकरो आदमी के देह में बढ़ रहा है एक मतलब अहा के जे है से हरेक कॉम्प्लिकेशन बढ़ावे के चांस बेसी है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के हम गुड कोलेस्ट्रॉल माने छे, यदि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल केकरो में बेसी है तो अहा नीक छी, अहा में घट रहा है मतलब अहा खराब छी। तेनाहिते ट्राइग्लिसराइड अहा के बेसी है तो अहा खराब भरल छी, कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट हाई भ रहल है तो खराब भ रहल छी। एना के ई पूरे लिपिड प्रोफाइल अहा के बॉडी के एकटा कोलेस्ट्रॉल के पूरे मापदंड देखबे है कि अहाँ नियर फ्यूचर में भविष्य में अहाँ के कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन भी कते भ सके। हम सब बहुत हम सब समय साथ नहीं रहा किसी बात करब, जनकपुर से संबंधित बातचीत करब, खास करके डायबिटीज के कारण से शुरू में कहलकिन किडनी फेलियर के संभावना कॉम्प्लिकेशन से आ सके, किडनी फेलियर के अवस्था आवे से पूर्व के किछ ट्रीटमेंट सब छै जकरा डायलिसिस सेहो कहल जाइ छै, अहाँके किडनी के सुरक्षित करे के लागे की छै डायलिसिस। अब डायलिसिस के बारे में हम की कहब तऽ एकटा डायलिसिस अखन के समय में आबि कऽ अपना सब के नेपाल में जे ट्रांसप्लांट के लागि पे करे वाला बहुत आदमी कम है, किडनी फेल भेला के बाद में हमरा सब लोग बहुते उपाय न कैला तो किडनी टोटल शट डाउन भगला के बाद में कोनो मेडिकल व्यू से ओकरा ड्रग द कर ट्रीट नहीं कैल जा सकी। अइ दुआरे हमरा लग एकटा मोस्ट इम्पोर्टेंट के बाद में एकटा अगाड़ी में आबि के कोनो हम उपाय देखे छियै तो नंबर वन में हम डायलिसिस देखे छियै, नंबर टू में हम जे है रेनल ट्रांसप्लांट देखे छियै। आब रेनल ट्रांसप्लांट में हमरा बहुत समस्या आबि रहल है, कैला तो आब अहाँ के डोनर नहीं मिलते, डोनर अपना फैमिली के होक चाहिए, ओहो में क्रॉस मैच होक चाहिए, सब टेस्ट अहाँ के होक चाहिए। आ ट्रांसप्लांट कैलाक बाद भी अहाँ के रुपया लागत ट्रांसप्लांट दौरान,
आउ ट्रांसप्लांट केलाक बाद भी आ के जैसे रिजेक्शन नहीं होक चाहिए यदि रिजेक्ट भ गेल त बहुत प्रॉब्लम छै आ रिजेक्टो नहीं भले त रिजेक्शन नहीं होक लागे नियर फ्यूचर में दवाई खा पड़ते आ ओतबो बाद में जैसे 12 साल तक मैक्सिमम 10 साल तक 12 साल तक लोग की नहीं रहती बड़का समस्या है मतलब का लाइफ तो भी शॉर्ट है हम की कर से डायलिसिस के लिए जिनमें कॉस्ट कम हुए मतलब अपना सबके खुशी की बात है कि नेपाल में कमती में हर एक किडनी के पेशेंट सबके 206 से 208 सेशन फ्री कैले हैं 208 बेर डायलिसिस फ्री करा सकी अपना लाइफ में तेकर बाद में अखन के नियम अनुसार स्वास्थ्य सेवा के नियम अनुसार डायलिसिस के एन कानून अंतर्गत जैसे अखन के समय में अतेक फ्री है बाद में और कहूँ बढ़े खुशी के बात होती बाद में सरकार ये सोचते के बारे में अखन के लगाने में अतेक फ्री है अपना सबके अंचल अस्पताल में भी डायलिसिस सेंटर मशीन कम है दुटा मशीन है लेकिन डायलिसिस जो है से दूटा सेशन में ये रेगुलर रूप से डेली रूप से भर रहा है शनिवार छोड़कर आ डायलिसिस किस है आदमी के जे किडनी के अपन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है जेना फिल्ट्रेशन करी जेना वो प्यूरिफिकेशन करी जेना वो डिटॉक्सिफिकेशन करी है आदमी सबके जे विकार वस्तु सबके निकाली है एसिड बेस के बैलेंस मेंटेन करी है हमरा बॉडी में मिनरल्स कहे छे सोडियम पोटासियम बाइकार्बोनेट एका सबके मैग्नीशियम कैल्शियम एका सबके लेवल मेंटेन करी मतलब किडनी के बहुत काम है वो काम हम डायलिसिस द्वारा जे किडनी के सेकेंडरी फंक्शन हम बाहर से डायलिसिस द्वारा खराब करा कर वो पेशेंट के जे नॉर्मल इन्वायरमेंट है बॉडी को मेंटेन कर चाहे थी डायलिसिस वह करे तो ना पाते कर दिन पर डायलिसिस हो सके ना थी जी एक बिल्कुल है कि ओकरा किडनी के कौन स्टेज का फेलियर है स्टेज वन फेलियर है स्टेज टू फेलियर है कि इन स्टेज रेनल डिजीज स्टेज थर्ड और फोर्थ फेलियर है यदि वो टोटल शॉट डाउन किडनी है तो कमती में हफ्ता में कम से कम हफ्ता में दो चोटी करवा पड़े नहीं तो तीन चोटी बेस्ट हुई एक एक दिन छोड़कर एक दिन आई डायलिसिस कर ली कल छोड़कर परसों कर ली वो बेस्ट हुई लेकिन यदि फ्री सेशन ओकरा ल है तो ठीक है लेकिन फ्री सेशन नहीं तो नॉर्मल पीपल के लिए पेएबल अखन तक नहीं कला हर एक सेशन में कम से कम 300 से 4000 रुपया लगे एक हफ्ता में हम जो 3000 जोड़े तो 3-3 9000 हुई ते कारण प्लस ड्रग रहे तो 2000 के हम ड्रगो जोड़ दी एना के 10-12 हजार रुपया 15 हजार रुपया एक हफ्ता में लगे वो आदमी के 45-50 हजार एक महीना में लगे जो नॉर्मल पीपल नेपाल कंडीशन में पे नहीं कर सके लेकिन हमारा उपायों यहाँ है डायलिसिस उपाय है ते द्वारा हम सब सरकार से बेसी जोर देसी कि डायलिसिस पूरे फ्री हो जाए नेपाल जी का गरीब कंट्री में अब बहुत पेशेंट अखन डायलिसिस नहीं के कारण से अखन जनकपुर में मिल रहा है बहुत पेशेंट ढमसा में बहुत पेशेंट मिल रहा है अब बहुत पेशेंट ढमसावासी जखन को बाहर को अपने सोचा जनकपुर अंचल अस्पताल में करा सके समय छोट है समय कम है जनकपुर अंचल अस्पताल में क्या करा जाए सर जी हम करा सुनिश्चित जी जी हम इस डायलिसिस डॉक्टर गुहान सर के अंडर में डिपार्टमेंट पड़े हमारे सबके मेडिसिन डिपार्टमेंट पड़े अब ओकरा अंडर में डायलिसिस में डॉक्टर के रूप में हम ही डायलिसिस के पेशेंट देखे उनको अंडर में रहकर हम देखे उनका उसके केयर में रहकर देखे डायलिसिस पेशेंट के आ जत के हमारा सबके केना तरीका है डायलिसिस के आब डायलिसिस करे के लागि सबसे पहले हमारा सबके फिस्टुला बनबा पड़े जे फिस्टुला के लागि एकटा फिस्टुला सर्जन चाहिए एकटा सर्जन चाहिए जे उ सर्जन अपना सबके जनकपुर में नहीं है तो हम सब ओकरा सबके जे है से फिस्टुला रहल तो हम सब सेशन में लाइव के डायलिसिस स्टार्ट करे छियै आ नहीं फिस्टुला रहल तो ओकरा सबके हम रेनल किडनी सेंटर में चाहे भरतपुर ह्यूमन ऑर्गेन ट्रांसप्लांट सेंटर में पठा कर एकटा कोऑर्डिनेशन कऽ कऽ फिस्टुला बना तेकर बाद में ओकरा सबके जे है से एक महीना दू महीना वही इमरजेंसी सेशन में राखि कऽ तब जनकपुर लाइव के सेशन में लबै छी हमरा सबके सबसे बड़का दिक्कत है मशीन कम है दुएटा मशीन है स्टाफ कम है हमरा सब लखन तक ल 3टा स्टाफ है जेमे ट्रेंड स्टाफ दुएटा है हफ्ता में कते भ सके हफ्ता में हम सब लगभग लगभग जे है से 3टा पेशेंट से 2 दिन आ दुटा के पेशेंट से बाकी हफ्ता के ओना के हम सब टोटल संगे कते का डायलिसिस हो जे डायलिसिस लगभग लगभग हम अखन तक हम सब 19-20 के कर हफ्ता एक हफ्ता में डायलिसिस जते लोग के करे छे ओइसे बेसी समान रहै छे संभव नहीं छे किला त मशीन के की कसे हमरा सबके नियम है कि दुटा सेशन से 3टा सेशन में जब मशीन जाए तो बिगड़े के चांस बेसी है आ हमरा सब ला समस्या की है कि एकटा मशीन बिगड़ले तो 4-5टा पेशेंट बिगड़ जाए आब ओकरा सबके नेपाल में कतौ सेशन तुरंत मिलते तो ओकरा सबके जाने धरातल पर जाए किला दुटा सेशन मात्रे कोई पेशेंट मिस करते तो ओकरा सबके बहुत फ्लूइड ओवरलोड हो जाए कंडीशन खराब हो जाए एक्सपायर के चांस बेसी हो जाए तो हम सब रिक्स से नहीं ल सकते तैं 3टा हम करबे 4 दिन करबे एक मशीन खराब हो जाए एकटा मशीन खराब होले त आब एकटा मशीन रहते कतबो सेशन करबे त आधा आदमी के नहीं पिग रहल आ अइयो से दोसर चांसो ने लोग के मिले कि नजदीक में कोनो डायलिसिस में करा मतलब हफ्ता में 15टा मैक्सिमम जी जी मैक्सिमम ओतबे कह सके छिए ऑनलाइन में बहुत छै 50-51 को एखन को लाइन छै हम सब रखने छी नाम लिख कर जेना जेना पालो एते लोग के होई बीच में कोनो कॉजलिटी होई आइ प्रकार से जेना के हम अपने सब डायलिसिस के जे कल 15टा होइ छै आ पेशेंट संख्या बहुते छै तेकरा मैनेज करना पड़ै छै कि अथवा बहुत आदमी इस तरह से वंचित छै केना छै जी जी बिल्कुल वंचित तो बहुत कोई है
लेकिन हमरा सब के मेडिकल एथिक्स की है जे डायलिसिस में पहले से सेशन में है ओकरा कोई नहीं हटा सके कला डायलिसिस के सेशन में अखन के परस्पेक्ट में नेपाल में हटनाए के मतलब है कि ओकरा मार देना है कला तो एक बात नहीं सर 200 कले बेरा के दूसरे बेरा के फ्री डायलिसिस कर सके तकर बाद के अगला डायलिसिस के जरूरी है तो पेएबल डायलिसिस करनी पड़ता है कि पहले पेएबल डायलिसिस के नहीं कर सके तब मतलब फ्री से केना कर सके अब हम सब केना कर सके एक पर हल्ला भेल रहा एक पर हमरा सब के काका दो दो पैसा दियो का अगर क्यों करवावा चाहे तो अवस्था की छै करबे बिल्कुल किला तक उ सब पहले से सेशन में है नेपाल में की है अखन हम का सेशन में से निकाल देबे ए सब तो कतौ सेशन नहीं पाते तुरंत सेशन नहीं पाते तो का पेएबल रुपया में रुपयो पे करते तो जगह सेशन में लागू इतना 2 से 8 पर भ गेले है 3-4 परसेंट या बदन पुनः चल अस्पताल में है जेको सेशन खत्म है अब काल जाकर ओकरा हम सेशन में जाकर कहली हम आ निकल जाओ सेशन में हमरा सब के जैसे प्रशासन से भले ही इन्फॉर्मेशन आएले कि सेशन वाला के आप जगह खत्म भल तक सब के हम रुपया लक नहीं कह सके छी लेकिन विडंबना की ओकरा हम रुपया लक नहीं करे छी त कत पठा दे छी ओकरा तो का तो लाइफ सिक्योर हो पर नहीं कि हम अई ठाम जाकर अहाँ के सेशन मिला दी छी यहाँ करू ई चीज तो नहीं भ सके तो हम सब की करे छी जेकर लाइफ इन डेंजर मत के क्यों भेल छै ओकरा लागी की सोच जी तब जी ओकरा लागी अब हम सब हम तो बहुत जरा अपने कर जे मात्र 15 टका सके एकदम जी बिल्कुल एकरा लागी मतलब एकटा पेशेंट के हफ्ता में दुई जी जी दुई बार तरह का एकरा लागी हम सब बहुत से बहुत मेसू अपना मेसू के बहुत बेर कहलिए हम अपना अपन निजी संख्या बढ़ावे के लागी की अप्रोचिंग भ रहल छै जी पैसा मतलब एक्सपोर्ट संख्या बढ़ावला मशीन संख्या बढ़ाव की अप्रोचिंग भ रहल छै आब मेसू मेसू अखन जे छथिन डॉक्टर प्रमोद यादव गेल रहथिन मंत्रालय में गप कलखिन हमहू स्वयं गप कली डॉक्टर पुकार श्रेष्ठ जे मेन छथिन ह्यूमन ऑर्गेन ट्रांसप्लांट सेंटर से हमहू गप कली पर्सनली प्रमोद सर गप कलके लेकिन अखन के राजनीति माहौल में कोनो इंटरेस्ट जनकपुर प्रति मंत्रालय से सब नहीं आ रहा है हम 3 दिन जाकर छी अपन पर्सनली वे के सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट केने एक दिन त हमरा टाइम न देला भेट के 2 दिन आई बीच में हम गेल से लोका से भेट के लागि टाइम लक पर्सनली हमर संग 50 वटा पेशेंट लाइन में कमती में हमें 5 वटा मशीन कमती में चाहिए हमी संग चाहे पूर्वाधार हमें गराउला ते सिस्टर ट्रेनिंग दिए निकालौला ये कहते भी ऊ जैसे अलग होना सकते हैं हम राजनीति माहौल यो छाइन यह संबंधी बजेटिंग छाइन हमीसंग मशीन एक्स्ट्रा छाइन अब ये वगैरह वगैरह समस्या देखा के हमारे के बात के ओत तत्काल नहीं कर रहा है हमारा इतना फीलिंग है कि अय के पोलिटिकली हाई रिच में पुगल आदमी सब हाई लेवल में पुगल आदमी सब कुछ मात्र किनका जैसे पर ख्याल करो तो मशीन के संख्या इजिली बढ़ते गला फिर ने मशीन जा रहा है अपने कथा है राजनीति अपना सब हो चुकी जल्दी बढ़ते बहुत डेफिनेटली नेपाल में ये चीज यदि भ जाए तो जल्दी भ जाए बहुत जल्दी भयते कला वैसे मशीन अभी डिस्ट्रीब्यूट भ रहल फेरी फेरी में खाली जनकपुर नहीं आयल फेरी फेरी का अर्थ जेना के तेना धनगढ़ी भ गेलै तेना जे बुटवल भ गेलै तेना जे से नेपालगंज भ गेलै तो इस समय मशीन तो जा रहल है जे हमरा सबके प्रेशर सब के बहुत छे जी आ ये तो बहुत प्रेशर है हमरा सबके तो बार बार पेशेंट के समझावे में हमरा सबके दुखो लगते रहे लेकिन समझावे पड़े छे कि आके सेशन नहीं आयल है बार बार अबे छे सब दिन दू टा पेशेंट कंप्लेन करे छे कि सर हमर पालो कहिया आते लेकिन वे विडंबना छे कि मशीने हमरा संग छे नए आदमी ओते छे ट्रेंड स्टाफ की 4 सेशन दियू आ 4 सेशन करू तो आगे की होई मशीन खराब हो जाए 2 दिन में खराब हो जाए हमरा लग कोनो भी चॉइस नहीं तना इमरजेंसी डायलिसिस हम सब कर सके छी लेकिन इमरजेंसी डायलिसिस के लागि हमरा सब के मशीन ना है तना कोई पेशेंट है अखन डायग्नोसिस कइल के हम सब कइली कि एक्यूट रेनल फेलियर के केस है ओकर डायलिसिस चाहिए इमरजेंसी डायलिसिस चाहिए हमरा सब मशीन ना है डॉक्टर अपने समय देलो सीएनए में बातचीत कर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सब देलो किस रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दिल किस क्षेत्र के अवस्था डायलिसिस के अवस्था से खास करके किडनी फेलियर पेशेंट सबके लागे तक बारे में जानकारी दिल बहुत महत्वपूर्ण बात सब किस प्रयास सब कर सीएनए बातचीत कल बातचीत अपने कहने स्तन से संबंधित समस्या सबके बारे में ब्रेस्ट से संबंधित समस्या सबके बारे में महिला सबके होइ छै ओहि सबके बारे में सेहो बातचीत करब आइ समय साथ दे देलक अगला अंक में हम से चाहबै जे डॉक्टर साहब फेर अबौथ आ जे हम आइ बाचा के लिए जे हिनका से बातचीत करब ओ बातचीत स्तन से संबंधित ब्रेस्ट के प्रॉब्लम से संबंधित बातचीत करबे करब आइ लागि अपने बहुत बहुत धन्यवाद हम धन्यवाद दिए चाहे छी कि हम एकटा पब्लिक में एकटा हम अपन विचार आ हमरा मन में रहल विचार सब पब्लिक में रह के एक अथी दिली हम अपन कुछ बात सब जैसे मेडिकल तरीका से लोग के कुछ हम ज्ञान द सकली अय के अहा के मार्फत में चाहिए कला हम बहुत कृतज्ञ छी धन्यवाद देना चाहे छी पुरुष सोसाइटी में फोर हम आयो के अय आयो को मौका पाए का प्रचार करे जैसे विदा नमस्कार।